गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल एग्ज़ाम 2016 का पीएचपी एंड माइस्क्यूएल पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएचपी में माइस्क्यूएल डेटाबेस को उपयोग में लाने के लिए आप उपयोग में लेंगे। पीएचपी में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, जो डेटाबेस से कनेक्शन के काम में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पीएचपी से क्या तात्पर्य है? पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी में किसी चर का नाम प्रारंभ होता है, तो पीएचपी में कोई वेरिएबल है उसका नाम चालू होता है डॉलर साइन से। पीएचपी में वेरिएबल बनाने का, वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका है, उसमें या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से, डिजिट नहीं आएगा शुरू में। डी ऑप्शन में डिजिट आ रहा है स्टार्टिंग में, ये रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन हो गया। दो एरे में अंतर, दोनों में डिफरेंस बताना होता है, तो इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी में एरे अंडरस्कोर डिफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर एचटीएमएल फाइल के अंदर पीएचपी का कोड लिखना है तो उसका तरीका है लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, पीएचपी का कोड आएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का साइन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न वन व्हेन आउटपुट, तो प्रिंट और इको दोनों ही प्रिंट कराने के लिए काम में लेते हैं पीएचपी में। इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, प्रिंट वन रिटर्न करता है। प्रिंट टाइप के अंदर टाइप स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? परसेंटेज ए भी होता है, परसेंटेज सी होता है, परसेंटेज डी होता है, परसेंटेज बी नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीएचपी में स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग डेटा पीएचपी के अंदर सिंगल कोट्स के बीच में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के बीच में भी लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग में लेस देन लेस देन लेस देन, तीन बार लेस देन का साइन आएगा, उसके बाद में स्ट्रिंग लिखेंगे, लास्ट में कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेंथ क्वेश्चन, पीएचपी में परसेंटेज का जो साइन है वो किस लिए काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं मॉडुलस के लिए काम में। इलेवंथ क्वेश्चन है कि डॉट ऑपरेटर पीएचपी में किस लिए काम में लेते हैं? तो डॉट ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को कॉनकेट करता है, कॉनकेटनेशन के लिए काम में लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। पीएचपी स्क्रिप्ट है वो सर्वर पर रन होती है, हमेशा ये याद रखना है अपने को कि पीएचपी स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल वो क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर पर रन होती है। पीएचपी के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है इन्फो, इन्फो फंक्शन है वो पीएचपी का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पीएचपी में सब एसटीआर, सब एसटीआर के अंदर पहला जो पैरामीटर पास करते हैं वो स्ट्रिंग होती है, दूसरा होता है कि स्टार्टिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर पॉजिटिव में है तो शुरू से चलेंगे, अगर नेगेटिव में है तो स्ट्रिंग के लास्ट चलेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट का पैरामीटर है वो है कितनी लंबी स्ट्रिंग लेनी है, माइनस फोर है तो लास्ट से चलो, तो एफ ई डी सी, सी पर आगे, और वन का लेना है वन लेंथ का, तो सी ऑप्शन हो गया। तो लास्ट से माइनस में आया तो वन टू थ्री लास्ट से चलेंगे, और अगर पॉजिटिव में रहता है तो शुरू से जीरो वन टू ऐसे चलेंगे। पीएचपी के अंदर कौन सा ऐसा स्पेशल मेथड है जो रन होगा जब कोई इंस्टेंस बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनता है तो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। पीएचपी का जो कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। चाइल्ड क्लासेज, किसी भी बेस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट प्रीडिफाइंड, तो पीएचपी के अंदर डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट, ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र करते हैं। डॉलर ए एस के ऐसा कोई प्रीडिफाइंड वेरिएबल पीएचपी में नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, इसके लिए पीएचपी में इनबिल्ट फंक्शन होता है एस टी आर एल ई एन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, पीएचपी में किसी कैरेक्टर का आस्की मान प्राप्त करना है, तो आस्की वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपन एक इनबिल्ट फंक्शन काम में लेते हैं ओ आर डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड्स इनपुट टू अ स्क्रिप्ट वाया ए यू आर एल,
तो एक पेज से दूसरे पेज पर इंफॉर्मेशन सेंड करने के दो मेथड है, गेट एंड पोस्ट। गेट पोस्ट है वो यूआरएल के साथ में इंफॉर्मेशन सेंड करता है, जबकि पोस्ट है वो हाइड करके भेजता है, वो यूआरएल में नहीं दिखेगी। सेट कुकीज़ फंक्शन है वो किस लिए काम आता है, तो सेट कुकीज़ फंक्शन है वो सारे काम करता है, इनेबल करता है, डिसेबल करता है कुकीज़ को, डिक्लेयर करता है कुकीज़ वेरिएबल को और डेटा को स्टोर करता है कुकीज़ वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 23, टू वर्क विथ रिमोट फाइल्स इन PHP यू नीड टू इनेबल। तो PHP में रिमोट फाइल्स को इनेबल करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, अलाउ अंडरस्कोर URF अंडरस्कोर F ओपन। क्वेश्चन नंबर 24, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट डज नॉट फॉलोइंग पैरामीटर। कौन सा इनमें से जो पैरामीटर है वो नहीं लेता है, तो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट है वो इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, तीन पैरामीटर्स लेता है। पहला होता है डेटाबेस होस्ट, सेकेंड होता है यूजर ID, थर्ड होता है पासवर्ड। डेटाबेस का नेम है वो इसमें पास ऑन नहीं कर सकते, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न का अध्ययन कर सही अनुगम लिखिए, तो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट तो अपन देख लिया। इसके बाद में जब डेटाबेस कनेक्शन होता है तो पहली स्टेप होती है वो SQL MySQL सर्वर है उसका कनेक्शन ओपन करते हैं, फिर डेटाबेस का चयन करते हैं, उसके बाद में SQL क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर क्यूरी से डेटा लेते हैं और फिर कनेक्शन बंद करते हैं। तो ये सीरीज रहती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सेशन फंक्शन नहीं है, तो सेशन फंक्शन होते हैं सेशन अंडरस्कोर डिकोड होता है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय होता है, सेशन अंडरस्कोर ID, सेशन अंडरस्कोर PW, ऐसा कोई फंक्शन इसमें सेशंस के लिए नहीं होता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, PHP में से कौन सा टिप्पणी करना ठीक है, तो PHP में ये कमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो ये दो तरीके हैं, जैसे C++ में लिखते हैं डबल स्लैश वाला, ये सिंगल लाइन कमेंट, और सेल सिंटेक्स में लेते हैं हैस, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हो गया, बोथ ऑफ द वो दोनों। PHP का फादर कौन है, PHP का फादर है रेसमस लेडोर्फ। क्वेश्चन नंबर 29, कौन में से निम्न में से कौन सा लूप संरचना PHP में उपलब्ध है, तो PHP के अंदर फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर ईच है, चारों तरह के लूप इसमें होते हैं, तो ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द मेंशनड उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है PHP में STRVAL, तो STRVAL क्या काम में आता है, इसमें कोई वेरिएबल पास करेंगे उसको ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सेप्ट अ वैल्यू एंड कन्वर्ट इट टू इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रिंग, वैल्यू प्राप्त कर उसे स्ट्रिंग तुल्य में परिवर्तित कर देता है। तो ये था PHP के पेपर का फर्स्ट जो 30 क्वेश्चंस का पार्ट आएगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये पैटर्न रहेगा सभी पेपर्स के अंदर, तो इनकी अच्छे से तैयारी कर ले। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।